दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ छोटे छोटे आइटम्स जो कि मैंने ऑन मीशो सेल मंगवाए थे अपने लिए। ये है एक छोटा सा बैंगल सेट, छोटा सा क्या कहो, बड़ा ही सा कह लो। तो मैंने मंगवाया अपने फेस्टिवल्स के लिए, जो कि मुझे ओनली एंड ओनली पड़ा है 128 रुपीज़ का। डायरेक्ट आया है राजस्थान से और इस बीच गिर गया था मेरा फ़ोन, आप जैसे कि देख रहे हैं। मैंने किया गुनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा, अभी फ़ोन टूट जाता ना तो पता नहीं क्या होता। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्सल है मेरा, इसमें है एक बहुत ही सुंदर कोटेशंस जो कि आप किचन में अपने वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। तो मेरा कुछ कुछ चेंजेस चलता ही रहता है, ऑलमोस्ट किचन हो, रूम हो या कुछ भी हो। तो मैंने ये अपने 3 परफेक्ट कोटेशंस मंगवाए थे जो कि मैं अपने किचन में डेकोरेट करने के लिए लगाऊंगी। आपको मैं वन पीस दिखाऊंगी निकाल के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, एकदम ऑसम, मतलब आप कह नहीं सकते। इसके साथ ये स्ट्रिंग्स आए थे गोल्डन कलर के, जिसमें आप वो होल्स को ओपन करके वहाँ से हैंगिंग कर सकते हो। कलर्स देखो कितने प्यारे हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड, तीनों को मैं कल डेकोरेट करूँगी। तो ये था मेरा सेकंड पार्सल एंड थर्ड वन इज़ दिस। आप कुछ गेस करके बताएंगे क्या है इसमें, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपको बताती हूँ। ये है एक चॉपिंग बोर्ड, ये चॉपिंग बोर्ड मैंने मंगवाया है स्पेशली वेजिटेबल कटिंग के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर करे तो कुछ अच्छे से करे, धीरे धीरे अपना स्टार्टअप करेगा। एंड फोर्थ वन इज़ ये छोटा सा एक ज्वेलरी सेट है, जिसमें आप ज्वेलरी या अपनी एसेसरीज़ जो भी आपकी होती हैं उन्हें अच्छे से एक साइड रख सकते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में, जैसे कि मेरा पहला रखा हुआ था, वो सबको हटा के मैं इसको एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर रखूँगी, जिससे जगह भी कम जाएगी और बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी मेरी सारी चीज़। और एक ये छोटा सा मैंने ज्वेलरी मंगवाया था जो कि था ओनली एंड ओनली 78 रुपीज़ का। इसमें 3 पीस ज्वेलरी थी गोल्डन कलर में, कभी कभी मेरे भी काम आएगी और कभी कभी पूर्वी के भी काम आएगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो क्या था ना, ये जो पीछे 5-6 दिन की सेल चली थी ना मीशो पे, तो मैंने तो ऑलमोस्ट मतलब 5-6 आइटम्स मैंने मंगाए थे, एक अभी भी आया नहीं है रिसेंट में, उसका वेट कर रही हूँ। तो आप सोच नहीं सकते हो मेरे सारे आइटम्स जो भी थे ना, लास्ट मेरा 200 रुपये का था, मतलब 200 के अंदर अंदर जितने भी पार्सल्स थे मैंने वो अपने मंगाए थे। आप देखो, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये छोटी छोटी आइटम्स ना आपको मतलब खुशी देती हैं, आप कुछ भी मंगाओ मैं तो बहुत खुश होती हूँ, चाहे एक छोटी ही चीज़ हो 78 रुपीज़ की हो या 100 की हो। मेरे को ऑनलाइन शॉप करना बहुत अच्छा लगता है एंड ऑलवेज़ आई लव मीशो। मीशो से मैं जब तक भी अपने प्रोडक्ट्स मंगाऊँगी या मंगाती आई हूँ, मेरे सारे के सारे औसम आए हैं। लास्ट वन इज़ दिस, ये है किचन के लिए एक स्टैंड, जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी एसेसरीज़ को मेंटेन करके रखूँगी टेबल पे। आपने देखा होगा मेरा किचन, मैंने टेबल पे मेंटेन किया हुआ है। तो अब आई है बारी किचन को थोड़ा सा डेकोरेट करने की, बस वही मैं करूँगी। तो अब चलते हैं, मैं आपको थैंक्स बोलूँगी मेरी छोटी सी वीडियो को देखने के लिए। लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लास्ट में ये जो एसेसरीज़ है मैं इसको फटाफट मैनेज करके रख दूँगी, आप मुझे बताना लास्ट में कैसा रहा। इसमें मेरी बेटे ने करी हेल्प छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग छाटने की, क्योंकि ये सब एक साथ हो रही थी ना तो मैं प्रॉपर नहीं रख पाई थी। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ऑलवेज लव मीशो, के टाटा बाय।